तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और होली आने वाली आप सबको पता है। तो गाइस आज मैं मिल रही हूँ आपसे नहा धो के। 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं गाइस। और अब बस मेरी रोटी रह रही है, सारा काम हो गया। बच्चे स्कूल गए, दोनों अपने काम पे गए और मम्मी गई आज गिरिराज जी, दोनों वे और जो दो छोटे छोटे बच्चे टीवी वाले रूम में खेल रहे हैं। और अब मेरी रोटी रह रही है गाइस। ये देखो मेरा सूट जो मैं आपको दिखा रही थी ना, मैंने कल सिल लिया और आज पहन भी लिया। देखो पूरा दिखाती हूँ, रुको अभी दिखाऊंगी मैं आपको पूरा। कैसे दिखाऊँ, स्टैंड उधर है, इस पे रख के दिखाऊंगी, ठीक है? रुको एक मिनट, मैं नहा धो ली और ये जा रही नान। बढ़िया करी मन, कई दिन क्या होगा, अब तो होगा। खोली ना? ना खोली, अब खोलूंगी आज। पता हूँ कैसे झंझट हो, पता ही ना झंड के रस हो मेरे साथ। ये देखो मेरा सूट, ये फाइनल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरी बाजू बनवाई थी मैंने, बनवाई क्या थी, बनाई थी मैंने सिला के। अरे पैरिया गाइस, कर ले तो 2 मिनट कर ला। और ये भी पैर काती, पर मम्मी वाले करी मैं रात, फिर के निस रोटी बना। और अब मुँह करी हाथी कल खोनी, मम्मी वाले तो रुपये ना करी, जितनी हुई मैं करूँ उतनी कर दी, फिर मैं अपने काम में लगी। और अब मैंने कर ले, अब तू कर लेगी, मैं रोटी बनाऊँ। तो गाइस अभी तो रुपये करेगी और ये अभी मम्मी वाला ने पैर खाएगी, पुराणो दुराणो करके जब देगी मम्मी तो भगवान। गाइस मैं रोटी बनाऊँ, भूख लग रही है, मौको सुन भूख लग रही है मुन, ना खाई मुन, तुम खाई? भाई मैं खाऊंगी, भूख लग रही भाई, मां कसम। पर एक और सिलेंगे आज, टाइम मिला तो लाइट आती रही तो। धर रही धर। गाइस भाई रोटी बनाऊ आज सिल के, फिर मैं कल दिखाऊंगी मैं कौन सा, अगर आज सिल जाएगा तो पहन के दिखाऊंगी। एक ये लिपस्टिक लेके आए थे, कैसे कलर है बताना, मतलब कैसा कलर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक महरूम जो मैंने कल भी लोग नहीं बनाया, मैंने दिखा दूंगी, ठीक है? हम लेके आए थे 5 लिपस्टिक। गाइस मुन वा में धरली गुल्लक में, गुल्लक में आवे ना, नहीं तो गुल्लक में धरना। अब मैं चल फुटवा और दे, 500 रुपए ली पड़ा है। तो गाइस मैं अब रोटी बनाती हूँ, जब मिलूंगी भूख लगी। आज बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, बादल से हो रहे, देखो गाइस। और हमारे कपड़े उड़ के भाग रहे हैं, अब मैं इनको उतार लेती हूँ, ये आ गया देखो। आप क्यों आ गए? गाइस मैं कपड़ों को उतार लेती हूँ, ये सारे उड़ जाएंगे फिर। देखो ये जैसे इतने सारे सूख रहे हैं, ओके गाइस, देखो गिरे पड़े, देखो गिरे पड़े। चलो गाइस मैं इनको उतार लेती हूँ। तो गाइस आज हमारी मम्मी, आपको पता है गिरिराज जी के ही है, तो हम जा रहे हैं बरसम काटने। अरे हमारे ये रही हमारी बरसम, हमारे घर के बाहर ही है हमारा खेत, ये हमारे गेहूं, ये हमारा घर, ये बड़ी मम्मी हर का, सबसे बड़ी मम्मी का हर का उधर है, और ये बड़ी मम्मी, और ये बड़ी मम्मी की छोरी। बड़ी मम्मी कर या पीछे जल्दी, ये हमारा घर। और ये देखो ये लग गई है अपने काम पर, मम्मी की दस्तानी पहन रहा है मम्मी, है ना, फैंसी रहा था हमारी मम्मी का। इस हमारी मम्मी ग्लव्स पहन के काटती बरसम। अब मैं इसको बिछा देती हूँ गाइस, इसको देखो इसको, अरे 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 अपिट 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 पिट अपिट पिट पिट अपिट गंदो सो पांप चढ़ गो मेरे पे, पैंट लेके आओ, जाऊं उतारी आपने, जाओ। हाय गाइस करना ना।
ना हो तेरी मम्मी जाओ। तो गाइस इतने सारे कपड़ों की तय बनानी है परेश करनी, परेश को परेश वालों हट जाने पता है, परेश वालों अलग करूँगी, परेश पहले तय बनाऊंगी फिर इस शाम को परेश करूँगी। चलो कर लेते इसको, देख पैंट लेगा पहले, चल खड़ो पहले खड़ो, नुकेंगे नुकेंगे गाइस गाइस नुकेंगे, कितना गंदा लड़का है कहनो नो मानता, जल्दी जा जल्दी जा, जा रहा हूँ नुका तो जा रहा हूँ, नुका तो जा रहा हूँ, और नुका नुका जा रहा हूँ। नंदू आप ही हो नंदू? तो गाइस चलो चलो इन कपड़ों की तय बना लेते हैं, देखो मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में, वो पता नहीं क्या कर रही है कमरे में, इनकी तह बना लेते हैं तब मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। फिर दूध काटने गए, फिर दूध रखूँगी चूल्हे पे, फिर रोटी बनाऊँगी, सब्जी बनाई नहीं रोटी नहीं सोच रही, चावल छोड़ दिया आज यार, रोज़ रोज़ सब्जी से ना परेशान हो गई माँ कसम, रोज़ रोज़ नू रहे कि सब्जी बनाओ कि सब्जी बनाओ, और आलू ते भी नाक तक को भर गो जाडे जाडे, तो आलू ही आलू ही आलू ही आलू, तो शायद चावल छूटूंगी आज स्वाद मुझे आ जाएगा, ऐसे तो नाक बहरी में बालगन की भी मेरी भी, पर सब्जी भी परेशान सब्जी तो, कल दाल बनाई फिर परसों आलू फिर आज फिर आलू बनाते हैं। तो गाइस सच्ची में अगर आप भी कोई परेशान हो तो कमेंट करना कि हम भी सब्जी से परेशान हैं भाई, हम तो परेशान हैं भाई। ओके गाइस मैं तय बना लूँ, थोड़ी देर मिलेंगे। देखो आज मैं बना रही हूँ चावल, ये मैंने पानी भिगो के रखे, और इसमें आप बताओ क्या लेकर आऊँगी, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसमें लेकर आऊँगी मैं मटर ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। चलो इसको देखो पापा वहाँ पे लग रहे हैं, ये मेरा दूध ट्राई देख लेती हूँ कितना हो गया, बस उठने वाला थोड़ा बहुत कह रहा है। चलो मैं दिखाती हूँ, मैं मटर लेने जाती हूँ, इसे जाते हैं गाइस, अब तो अच्छे अच्छे हो रहे हैं बड़ी बढ़िया धनिया ले जाऊँगी हंस तोड़ के बड़ी बड़ी तहनी, और घणों सारे ले जाऊँगी, घणों सारे ले जाऊँगी क्योंकि जब ही होएगा ये फूटेगा दोबारा, काजर तो गाइस सबके हुई ना हमारे पता न के, अरे हम भाई साहब ने शायद कुछ बो दिया, देखो उखरो तीन तीन दोनों महीने में, नींबू मिल जाएगा तो नींबू भी ले जाऊँगी, बगर तो बढ़िया लग रहा, नींबू में देखो बगर दिख रहा ना, तो गाइस बगर तो बढ़िया आ रहा, नींबू भी वैसे लग रहे एक हाथ तो टूट के गिरते ही रहे, पर अब क्या नो दिख रहा यू कहाँ पड़ रहा है, कैसी गाइस यू की चीज है, यहाँ तो ऐसा कुछ पेड़ भी ना हमारा, यहाँ मैं तो इतना गिराय अंजीर को पेड़ यू रो, यहाँ मैं तो इतना गिराय मैं भी आके तो पता ना टमाटर है गाइस पता ही ना के है, और गाइस कहीं भी ना दिख रहा नींबू तो, और बगर ही बगर दिख रहा, चलो बगर भी आ रहा है तो नींबू भी आएंगे, मौसमी में भी आ रहा गाइस वो मौसमी को पेड़ है ना। और देखो मटर दिखाती हूँ मैं आपको, ये गाइस मटर है पर हम अड़ंग ज़्यादा खटो है, यू रख दी मैंने अपनी टोकरिया, अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको मटर, ये लो यहीं से शुरुआत करती हूँ गाइस, ये देखो मटर पर ये थोड़ी सी कच्ची है, ये तो अभी सही सी है, एक हाथ तो गाइस टूटे ना ढंग तो टाइट रहे है, देखो गाइस आप क्या सुना रहा हूँ, सब दूर आ रहा है हाथ ना आ रहा, देखो भाई सब साफ आ रहा है, ये देखो मटर है ना, इसी में से उस दिन मैं खा के गई और इसी में आके लग गई गई, भीतर घुसने की हिम्मत ही ना हो, अड़ंगो इतना खड़ो है मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ देखो ये रे है गाइस मटर तो है ताज़ा ताज़ा, ताज़ा पता गाइस बहुत मीठे रहते हैं मटर ताज़ा ताज़ा, तो बहुत स्वादिष्ट ना कोई किसी चीज़ का वो, देखो गाइस मैं तोड़ लेती हूँ ठीक है फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस देखो मैंने इतने सारे मटर तोड़ लिए, ये तो दो तीन पेड़ों में से तोड़े क्योंकि मेरे अंदर इसमें कुछ ने का मन नहीं किया, चलो इनको बाहर बैठ के छीलूँगी गाइस, ये पता ना बच्चे एक ही बिना छोड़ेंगे सारे इन्हें खा जाएंगे मेरे सारे मटर ने। ओके गाइस तो चलो मिलते हैं आपसे, ओके इतने सारे तोड़े मैंने, देखो दूध भी मेरा गर्म हो रहा है हो गया मतलब, चलो छीन लेती हूँ मैं।
तो गई सॉरी मैंने चावल छोंक दे, मैं आपको नहीं दिखा पाई मैंने कैसे कैसे चावल छोंके, क्योंकि भाई साहब आए गए थे, सासू मम्मी के भतीजे आ गए थे, तो उनके लिए जल्दी सी चाय बनाई, फिर मैंने गलम गल चावल छोंक दे, मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी। रसोई में ना थोड़ी सी लाइट कम है, मतलब डाउन हो रही है वो ट्यूबलाइट की लाइट, तो इसलिए साफ नहीं दिखाई देता। और वो इधर साइड है और उसके नीचे हम मतलब कबड़ है, कबड़ के नीचे गैस रखा तो साफ नहीं दिखाई देता, इधर होता तो दिख जाता, तो इसलिए मैंने कबड़ में फ़ोन की लाइट जैसा के रख दी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। अब छोक के आई हूँ, बाबा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब मैं आई हूँ, उसमें सीट लगेगी, मैं धनिया ले जाऊँगी, अब मैं धनिया लेने आई हूँ। गाइस बाहर बैठी हूँ, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है अच्छी, यही तो बात है गाँव की, और गाँव की भी चलो गाँव की तो है ही, लेकिन गांव से बाहर जो खेतों में रहते हैं उनकी ये बात है, क्योंकि गांव में तो गर्मी बहुत लगती है गांव में, भाई हम तो खेतों में रहते हैं, इधर से भी खेत इधर भी खेत सब्जी के खेत खेत ठंड ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा मन लगता है। और सोचते हैं गांव में रहते, पता हम एक दिन मंदिर गए थे, उस दिन साईं बाबा के मंदिर, तो जब हम गाँव के अंदर से गए थे तब तो हमें लग रही थी गर्मी, मतलब गर्म गर्म हवा, जैसे हम अपनी इस वाले रोड पर ठंड ठंडी हवा लग रही पैरों में, मतलब ठंड सी लग रही है, मैंने कि गाँव में और खेतों में इतना फर्क है, ठंड ठंडी हवा लगे पाँव में सही में। और अब गर्मियों में तो गांव में इतनी लाइट चली जाएगी जितनी गर्मी लगेगी ना हवा ना कुछ, कम से कम खेतों में नू तो है कि भाई बाहर बैठ जाओ छत पे चले जाओ, मतलब शाम हो तो हवा लगेगी, गांव में कहाँ जाएं। तो गैस इसलिए मैं सब्जी बना उस सब मतलब चावल छोंक के आई हूँ गैस पर, क्योंकि मैं रोटी तो आपको पता है चूल्हे पर बनाती हूँ, तो गर्मी लग गई थोड़ी सी, इसे थोड़ी सी देर बाहर आके बैठ गई चूल्हे पे, दूध भी गर्म हो गया मेरा वो रखा दूध, और अब मैं धनिया ले जाती हूँ और उसको देखती हूँ सूटों में लग रही है, मैंने क्या काम दिखाती हूँ, चलो धनिया ले जाती हूँ, धनिया दिखाती हूँ मैं आपको, चलो धनिया दिखाती हूँ गाइस, इसमें थी गाइस मेथी थी, इसमें मेथी, इसमें मैंने सीमा एक दिन मेथी के पराठे बना ले, मेथी के पराठे बना ले गाइस, खुदे तो अच्छे लगे ना ना तो बनाए ना, वो तो बहुत बुरे लगे ना, बनाए ना बना दिए ऐसी है गाइस, वो सच्ची में वो तो बहुत अच्छे लगे मेथी के पराठे, उसमें चून में मिला के मेथी, तब ना बनाए ना बना दिए। अब फिर मम्मी ने सारी काट के भैंसों को गिर दिए, अभी पालक रह रही, कह दी मम्मी पालक तोड़ के इन भैंसों को गिर देगी, और ये तो जा रही है धीरे धीरे भैंसों के, धनिया तो जाएगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि धनिया तो जितना खाओ उतना बढ़िया रहता है। तो गैस चलो मैं तोड़, देखो गैस हरा हरा धनिया, देखो ये बड़ी बड़ी, और गैस जैसे नहीं तोड़ेंगे तो इसमें वो आ जाएंगे धनिया की वो फूल से, देखो बड़ी बड़ा बड़ा हो रहा है ना। तो गैस मम्मी ने उसी मानो दिन साफ कर दिया तब हो रहा है ये, नहीं इसमें बहुत अड़ंगा खड़ा था, जैसे मटरों में खड़ा था ना दिखाया था ऐसे, इसमें बहुत अड़ंग, जैसे ये घास, और इस उसकी घास अगर सब्जी में चली जाए ना गड़े ही ना, ऐसी घास है। तो चलो मैं तोड़ लेती हूँ, ओके गैस। तो गाइस देखो मैंने थोड़ी सी देर भी तो सारा धनिया तोड़ लिया, देखो मुट्ठी भर गई, क्योंकि अब बड़ा हो रहा है, ज़्यादा गिरेंगे तो ये अच्छा लगेगा, और हमारे घर वालों को तो सब्जी में धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे सब धनिया की बना दो तो भी अच्छा लगता है। देखो गाइस इतना सारा तोड़ लिया मैंने, चलो इसको काट के धो के रख देती हूँ, फिर चावल बन जाएंगे, चावल हम गिर दूँगे, ओके गाइस कल रख देती हूँ, उससे मिलवाती हूँ क्या कर रही है। तो गाइस देखो ये सूट सी रही बिल्लो का, आजा बिल्लो का मतलब बड़ी वाली भाभी का, मेरी का कैसे बता रही है, बिल्लो बिल्लो ही लिख दी, कैसे बता रही है, फिर तेरे के मन कर रहा है, फिर तने के लागे जाडो लागे बता इतना टाइम ना सोच समझ के मत बोलो, बता क्या क्वेश्चन मांगी, यहाँ घूम वाली मतलब बनाई है पोपलिन की, फिर एक काम करिए मैं बताऊं, फिर लोई बना के बेल्ट बना दीजिए बाकी। तो गाइस देखो इतना सारा मैं धनिया लेके आई, और ये कह रही सारा मर गई रही, सही है, तो सारा मिला दूंगी बड़े तरीका था,
तो तू तो दो तीन फक्का मार लिया मैं तो कम हो जाएगा तन के लग गए बता तन के लग गए आपने के लग गए गाइस वो देखो मैं वो दिख रही अपने सिर पर धर ले और वो नू हो जावे नू कर ले और बना ले मैं जाऊं चावल में या गिर का हूं खोल के पता के नू होई थोड़ी सी मेरे नू हो जाओ कति हां हो जाओ नू गिर जाएगा थोड़ी सी अच्छा मेरे सिर पर धर लूंगी मैं पीछे धर पीछे कहां धरूं वहां धर अपने बराबर में तो फिर वो इग्नू तो है ना खड़ी रह जाएगी तेरी चोड़ी वाले सुन जी का चाहिए वीडियो कर ना वीडियो तो बहुत गिर गया अपन शुरू हो कर वाली ना मैं तो ना पीटी तू ही पिट जागी के धम्मो अजी पिटी बहुत हां बस तो फिर गाइस ने पता है कैसी बीरवानी है ना पिटे गाइस ने पता है सच बीरवानी सच है ओ सच्ची गाइस इसका मुंडा देखना सच वाली का दिखा मशीन आ रही है अरे कैसे सुबह तो यार बैठी धरी धर पता नहीं कैसी हो कि ना सी मैं समझ तो बाहर ये शुरुआत एनसी अब ना ही किसी हो बस लाल सो और किसी हो तुम जब ते तू ना यो सियो भी ना तो कहीं नहीं यो यार बना दे यो सी दियो या सुर वाले सुर सी दियो या सुर की पाँच फिर लगा दी एक दो बजे तलाई था ही तो गाइस मैं तो चावल खा पी के मैं तो यहाँ पे टहल रही हूँ और वो अंदर कर रही है सिलाई मैंने बताया था बड़ी वाली भाभी का सूट सिल के शायद उसी की सिलाई कर रही हैं और गाइस तो प्लीज़ मेरे अगर आपको मेरे भी लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे भी लोग को बहुत ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर देना प्लीज़ और कमेंट कर अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो बहुत सारे और ओके गाइस बस इतना ही और अब मैं आपको गुड नाइट कहती हूँ मिलते हैं अगले व्लॉग में फुर्सत में मिलेंगे ओके गाइस ज़्यादा बड़ा हो गया गाइस कोशिश करूँगी आगे का व्लॉग इतना लंबा ना हो ओके गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में ओके गाइस बाय गुड नाइट मैं टहल रही हूँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी दो दिन में करवा दो क्योंकि मेरे 900 कुछ हैं प्लीज़ करवा दो ओके okay?